Jai Hindu, all of you. I, Dheeraj Kumar Singh from Coracle Academy and Coracle Infotech India Private Limited. आज हम C लैंग्वेज में किस तरह से C का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है इस बात को सीखेंगे. तो बेसिकली व्हाट इज द एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट ऑफ C. सो आज का जो टॉपिक है, जो आज की जो चर्चा है, वो इस बात पर होनी है कि एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट C का क्या होता है. तो पहला क्वेश्चन वहां पर आता है कि हाउ अ सी प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड. सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता कैसे है? तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहला तो यह समझना एक आवश्यक है कि सी लैंग्वेज है. जैसे कि हमने कहा कि सी एक लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान का तरीका है कि डॉट सी एक्सटेंशन से हमेशा सी का प्रोग्राम क्या होता है, सेव होता है. तो पहला तो टॉक यही होता है कि जब भी हम सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करने चलते हैं तो सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और उसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट सी लेते हैं. डॉट सी एक्सटेंशन बेसिकली शोज अप दैट इट इज अ प्रोग्राम ऑफ सी. सो व्हाटएवर द प्रोग्राम वी राइट अप, दैट इज बेसिकली नोन एज द सोर्स कोड. अब जो भी प्रोग्राम हमने सी लैंग्वेज में डिजाइन किया वो हमारा क्या कहलाता है? सोर्स कोड कहलाता है. तो ध्यान दें, जैसे कि अभी हमने एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम लिखा वॉइड में. Then after that, print f and suppose we want to print the message Coracle. So this is the small program. We save this program with the extension a.c. .c extension से save किया. इससे ऊपर भी कई बार हम एक header files को भी add करते हैं. This is the hash include stdio.h. ये कई बार देखा होगा आपने कि हम stdio.h नाम की एक header file को include करते हैं. नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि डिफॉल्ट हेडर फाइल है stdio.h. ये डिफॉल्ट हेडर फाइल होती है हर जितने भी हमारे पास सी लैंग्वेज के सिमुलेटर्स हैं उन सभी सिमुलेटर्स में डिफॉल्ट ये प्रेजेंट होती है. जैसे कि टर्बो सी की बात करते हैं तो वहां आपका डिफॉल्ट stdio.h वहां पर प्रेजेंट है. नहीं भी करेंगे ऐड तो डिफॉल्टली चलेगा, ऐड कर दिया है तो कोई बात नहीं. सो हाउ अ सी प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले इस ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको आइडेंटिफाई होगा कि किस तरह से सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. सो वी मेक अ सी प्रोग्राम सच एज a.c वॉइड मेन printf मैसेज Coracle वी वांट टू प्रिंट हियर. दिस इज नोन एज द सोर्स कोड. हमने सोर्स कोड लिया. व्हेन वी प्रेस, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट टर्बो सी एनवायरमेंट, वी प्रेस alt plus f9. दिस इज बेसिकली द कमांड by which you activate a system program that is basically known as the compiler. Means to say, alt F9, जब भी आप प्रेस करेंगे तो कंपाइलर नाम का यूटिलिटी प्रोग्राम आपका क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा. जब कंपाइलर एक्टिवेट होगा तो कंपाइलर एक जो सोर्स कोड था उसके करस्पॉन्डिंग एक ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करेगा. बट ये जो ऑब्जेक्ट कोड है Not 100% binary code. ये 100% binary code नहीं होगा. So we are saying here कि if this code यानी object code is basically not the 100% binary code, इसका mean it is not the output file. ये output तो नहीं है. So when we compile any of the source code of C by using alt plus F9, compiler become activated. And compiler convert the a.c into the another file that is basically known as the object code that is not the 100% binary code. Means to say it is not the output file. And if we see the object code extension, then we find out if we are executing the program onto the Unix operating system, then it may be a.o. ye a.o ke naam se hoga. If we are using it onto the Windows operating system or any other operating system, it may become with the a.obj. अब यहाँ पर समझने वाली जो बात है, वो यह है कि ये कोड जो ऑब्जेक्ट कोड जो यहाँ पर बना है, ये 100% बाइनरी कोड नहीं है, 100% बाइनरी फॉर्मेट फाइल नहीं है. क्वेश्चन मार्क कि ऐसा कौन सा कोड है? सपोज अगर हमने a.c यहाँ पर लिया हुआ है तो इसमें से ऐसा कौन सा कोड है जो कंपाइल होने के बाद भी बाइनरी कोड में 100% कन्वर्ट नहीं हुआ? जबकि कंपाइलर की डेफिनेशन है कि कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और वी कैन से कंपाइलर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स एवरी हाई लेवल कोड इनटू द लो लेवल कोड.
जबकि हम पहले ही कह रहे हैं कि कंपाइलर का काम क्या है कि हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट कर देना या मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर देना। तो अगर कंपाइलर हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करता है तो फिर ये कोड पूरा कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। तो एक सेकंड के लिए कर सकते हैं कि जब हमारा a.obj फाइल जब जनरेट हुआ तो हम इस फाइल को ओपन करके देख सकते हैं, हम देखेंगे कि बहुत सारा इंस्ट्रक्शन इस प्रोग्राम का मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है, बट कुछ पोर्शन जैसे कि printf फंक्शन, ये वहां पर एज इट इज लिखा हुआ है, जो मैसेज हमने टाइप किया कॉरेक्कल, ये मैसेज भी एज इट इज वहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो printf है ये आपका मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं हुआ, लो लेवल कोड में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो व्हाट द प्रॉब्लम विद दिस कोड। तो यहां ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये कोड आपका मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट नहीं हुआ, लो लेवल कोड में कन्वर्ट नहीं हुआ। बेसिकली यहीं से जैसा कि हम कह रहे हैं या जैसा कि कई सारे ऑथर्स आपको कहते हैं कि सी कोड ऑलवेज गेट एग्जीक्यूटेड मैनुअली, जो सी का कोड होता है वह हमेशा मैनुअली एग्जीक्यूट होता है, उसके लिए कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बात जो है ये बात यहां से स्टार्ट होती है कि जो ऑब्जेक्ट कोड है इसमें कुछ कोड अभी भी ऐसा रह गया है जो कि मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ या कैसे ऐसा पॉसिबल होगा? तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि डेफिनेटली ये जो ऑब्जेक्ट कोड है, जब कंपाइलर ने सोर्स कोड को कंपाइल किया ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हुआ, लेकिन printf जो फंक्शन है उस फंक्शन का एक प्रोटोटाइप है, दूसरा डेफिनेशन है। जब हम किसी भी फंक्शन की बात करते हैं तो तीन चीजें नेसेसरी होती हैं, एक तो फंक्शन का डेफिनेशन होता है, एक फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है, एक फंक्शन का कॉलिंग होता है। printf का यहां पर कॉलिंग तो है लेकिन फंक्शन का प्रोटोटाइप यानी printf का प्रोटोटाइप not meet by the compiler to so that the properly object code get converted, yani jo aapka printf hai uska ek to prototype isko find out nahi hua compiler ko, jiski wajah se ye binary format mein convert nahi hua. Dusra iski jo definition hai printf ki jo ki stdlib.h ke andar hai aur jo prototype hai jo ki stdio.h ke andar hai, दोनों ही इस कंपाइलर को फाइंड आउट नहीं हुए। दैट्स द रीजन कि ये जो ऑब्जेक्ट कोड था ये 100% बाइनरी कोड नहीं बन पाया। सो व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल गेट एग्जीक्यूटेड अ सी कोड। सो वी आर सेइंग हियर सी प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड मैनुअली एंड मैनुअली वी प्रेस द कंट्रोल प्लस F9। सो व्हाट द कंट्रोल प्लस F9 इज देयर या व्हाट इज द वर्क ऑफ द कंट्रोल प्लस F9। सो व्हेनेवर we press the control plus F9 manually, basically the two utility program get executed. Generally these two utility program present with the operating system. These two utility programs are the linker as well as the loader. So these two utility program get activated, linker activated, and linker basically identify the links between printf prototype as well printf definition with the object code, and loader basically pick up the file yani printf definition from the stdlib.h and merge this definition of the printf with the object code. And jaise hi loader printf ki definition ko object code ke sath merge karta hai, automatically another final 100% binary format file we find up, हमें एक 100% बाइनरी फॉर्मेट फाइल फाइंड आउट हो जाती है। एंड दिस इज बेसिकली द एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, दिस इज सेव्ड विद द a.exe। ये a.exe या जो आपका सोर्स कोड का जो नेम था सोर्स नेम .exe एक्सटेंशन से सेव हो जाती है। सो दिस इज द वे बाय व्हिच अ सी प्रोग्राम ऑलवेज गेट एग्जीक्यूटेड। तो अभी अगर हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करके देखें तो सिंपल, सबसे पहले हमें एक सोर्स कोड को लिखना होगा a.c, सपोज सोर्स कोड को कंपाइल करना होगा, कंपाइलर को एक्टिवेट करना होगा, कंपाइलर एक्टिवेट होगा alt plus f9 से, जैसे ही हम alt plus f9 करेंगे कंपाइलर एक्टिवेट होगा और ऑब्जेक्ट कोड वहां पर जनरेट होगा। जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा
अगर सपोज ये टर्बोसी एनवायरमेंट है, a.obj के नाम से ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा। ये जो ऑब्जेक्ट कोड है ये 100% बाइनरी कोड नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रिंटएफ की जो प्रोटोटाइप है और प्रिंटएफ का जो डेफिनेशन है वो अभी इसमें फाइंड आउट नहीं हुआ है। जब मैनुअली यूजर कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेगा तो लिंकर एक्टिवेट होगा एज वेल एज लोडर एक्टिवेट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकर एक्टिवेट होगा, इट एस्टैब्लिशेस द लिंक ऑफ डेफिनेशन एज वेल एज प्रोटोटाइप विद द ऑब्जेक्ट कोड, एंड लोडर एक्टिवेट होगा, लोडर विल पिक अप द डेफिनेशन ऑफ द प्रिंटएफ फ्रॉम द stdlib.h एंड मर्ज इट विद द ऑब्जेक्ट कोड। जैसे ही ऑब्जेक्ट कोड के साथ प्रिंटएफ की डेफिनेशन मिक्सअप होगी, मर्जअप होगी, ऑटोमेटिकली वी विल गेट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल सी का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगा जो कि 100% बाइनरी कोड होगा, जो कि 100% क्या होगा बाइनरी कोड होगा, एंड दिस इज बेसिकली द आउटपुट फाइल, यही हमारी क्या होगी आउटपुट फाइल होगी। सो दिस इज बेसिकली नोन एज द एनवायरमेंट ऑफ सी। ये जो हम जो देखते हैं ये हमारा सी प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट होता है, और इसी के थ्रू हम सी के प्रोग्राम का इसी तरीके से हम सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं। सो धन्यवाद, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।